ओके सो हाय गाइस, व्लॉग हो रहा और आज आपको अच्छी आवाज़ तेज़ में इसलिए आ रही है क्योंकि अडेप्टर आ चुका है फाइनली आज सुबह, और अब मैंने पूरा सेटअप तैयार कर लिया है और अब आवाज़ होपफुली आपको अच्छी होनी चाहिए। अभी टेस्टिंग ही हो रही है, अभी 3:30 कुछ बज रहे हैं, तो अभी अभी बारिश रुकी है, सुबह से हो रही थी लगातार और थोड़ी टाइम बाद दोबारा भी आ जाएगी। तो जैसे ही बारिश रुकी मैं आ गया बाहर आज, क्योंकि कुछ बना नहीं है, थोड़े बहुत बना होगा तो मैं दिखा दूंगा। मतलब ट्राई किया था मैंने पर कुछ खास बन नहीं पाया, पर अब बारिश रुकी है तो बाइक लेके निकले हैं, अब कुछ ना कुछ बन ही जाएगा। फिलहाल जा रहा हूँ आदर्श भाई के पास, तो वहाँ पहुँच के आपको बताते हैं क्या सीन बनते हैं आगे। गाना बड़ा तगड़ा लगाया भाई ने। आइयो महाराज, शरारा भाई बड़ा वेट करा रहा। चलो अभी दोनों बाइक लगी हैं सामने, आज वो लेके जा रहे हैं क्योंकि कुछ वीडियो बनानी है और वो थोड़ा नया कंटेंट है, मैंने आज तक कभी नहीं दिखाया ब्लॉग में। ये लगाते हैं दर्श भाई घर, लगा दे उसको अंदर। ठंड है आज, आप इसकी बातचीत करते हैं थोड़ी। आदर्श भाई तेल वैसे फुल ही रखते हैं, आदर्श भाई अमीर बंदा है। चलो वो लगा रहा अंदर, चलो आज फिर आता है तो आपको थोड़ा बताते हैं इस बाइक के बारे में। पहले मैं खुद आदर्श भाई से पूछ लेता हूँ ना। बारिश नहीं आ जाए थोड़ी देर, तू आराम कर ले। ये नाला ही फट गया पूरा मेरी स्मार्ट सिटी का, ऐसे कैसे चलेगा। ओके तो गाइस अभी आ गए हैं हरिनिवास के आगे वाले रोड पे, वही जो हाईवे लगेगा जाके, और नज़ारा चेक करो आज उस साइड पहाड़ों का। अभी आगे आएगा पंचबीर जो जगह है, तो वहाँ पे रुकते हैं, फिर थोड़ा आपको मैं वहाँ से व्यू दिखाता हूँ। वो थोड़ा हाइट पे है ना, वहाँ से पूरा व्यू दिखेगा आपको। तो चलो फिर वहीं पे मिलते हैं आगे। चलो पहुँच के अब चलते हैं अंदर। देखो गाइस यहाँ का व्यू, बादल देखो कितने तेज चल रहे हैं, सामने वाले पहाड़ भी बादलों में। ये सिद्धड़ा बाईपास वाला ब्रिज जहाँ पे सारे मोटर ब्लॉगर अपनी बाइक फेंट रहे होते हैं, और वो बड़े ही सुंदर दिख रहे हैं वो वाले पहाड़। अब पता नहीं कौन से हैं एग्जैक्ट, मुझे समझ नहीं पा रहा। और ये कितनी तेज चल रहे हैं बादल, अभी निकल रहे हैं यहाँ से, फिर आगे मिलते हैं। वैसे हम हैं हरिनिवास के आगे वाली रोड पर, अब थोड़ा सा चलेंगे सिद्धड़ा पुल वाली साइड और वहाँ से कर लेंगे वापसी, और रास्ते में बारिश ना ही आए तो ठीक है। और एक और चीज़ जो मुझे बतानी थी वो ये है कि अपना ऑडियो सेटअप जो गोबरों का इनकम्प्लीट था, आज वो कम्प्लीट हो गया। आज सुबह ही आ गया अडैप्टर जो मंगाया हुआ था अमेजोन से, तो अब माइक से आवाज़ आ रही है आपको, तो हवा जितनी मर्जी बजे आई होप आप क्लियर ही आ रही होगी। वैसे अभी वाइजर खुला है और अब बंद है, फ़र्क देख लेना कितना, और कमेंट में ज़रूर बताना अब आवाज़ क्लियर है कि नहीं। चलो ये तो हो गई आवाज़ की बातें, अब कर लेते हैं थोड़ी बाइक की बात। तो जो पल्सर में मुझे सबसे ज़बरदस्त चीज़ लगती है, वो मैं बड़ी बारी बोलता हूँ दर्शकों भी, उसी की बाइक है ना, जब भी चलाता हूँ, ये जो लाइटें हैं ये वाली, ये भी ब्लू और बटन्स में भी ब्लू। जो मेरी R15 है उसमें बटन्स में कोई लाइट नहीं है। तो ये जब टनल से निकलती है ना यार, रात को इतना ज़बरदस्त लगता है ये, लेकिन जो अपनी बाइक है उसमें ऐसा कुछ नहीं होता। और ये शायद ऑप्शनल भी नहीं आता मतलब, पर ये छोटी सी चीज़ है पर ये काफ़ी ज़बरदस्त लुक देती है बाइक को अंधेरे में। तो ये तो मुझे लगती है इसकी सबसे ज़बरदस्त चीज़। बाकी 180 के हिसाब से मुझे इसका पिकअप थोड़ा सा कम लगता है, क्योंकि मेरी 155 cc की बाइक है, लेकिन वो भागती है, वो गोली की तरह जाती है गेयर डाल के, इसमें उस चीज़ में थोड़ा सा कम लगता है। बाकी बाइक आपके सामने है, पोजीशन बैठने की बिल्कुल सीधी है इस पर, तो लॉन्ग रूट पर भी कोई थकेगा नहीं। अभी हम दो बंदे बैठे हैं कोई पता नहीं चल रहा, लेकिन जैसी मेरी R15 ऊंची सीट वाली, उस पर पिछला बंदा बैठा हो तो उसका वेट भी अगले पे आता है। तो चलो अब थोड़ा इसका परफॉर्मेंस दिखा देता हूँ आपको कि ये पिकअप वगैरह कैसे पकड़ दिया है, तो उसके लिए थोड़ा रोड आता आगे तो बताता हूँ। ओके तो गाइस ये आ गया हाईवे जो ऊपर से दिखा रहा था मैं आपको, अब थोड़ी सी परफॉर्मेंस दिखा लेता हूँ इस बाइक की। 0 से देख लेना आप, 80-90-100 जितनी भी जाती है, 100 पे लेकिन मैं ब्रेक लगा दूंगा क्योंकि बारिश वाला दिन है। ओके सो गाइस अब 0-100 देख लेते हैं, ठीक है पूरी रोक लेता हूँ यार, 0 ही कर लेता हूँ, 180 पावर देखते हैं। चलो पहले गियर में 45, 67,
एंट्री। मैंने शायद 99 में ब्रेक लगा दी, पर 100 ही लगा लो उसको। तो आप टाइम देख लेना आप कितने टाइम में गई, कितने सेकंड में। आप कर लेते हैं स्लो, आप चलते हैं आराम आराम से वापसी की तरफ। करो करो काम करो हाथों, अभी पहुंच गए, काम पहुंच गए। मोमो हट, मोमो हट के बाहर अंदर जाके देखते हैं, कुछ खाते पीते हैं, सूप पीते हैं। यार मौसम तो सूप ही मांगता है, देखते हैं। चला चल 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 चलो 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 चलो। अभी छोटी छोटी बारिश आने लगी है और अभी एक काम पड़ गया बड़ा ज़रूरी, इस वजह से निकलना पड़ा सूप वगैरह सब कुछ छोड़ के। तो अभी पता नहीं आज क्या हो रहा है, थोड़ा दिन बकवासा ही चल रहा है। तो अभी जा रहे हैं, जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अभी के लिए बाय बाय।